ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा था कि कैसे ये जो हमने पूरा पूरा एपीआई बनाया था यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे सारे के सारे चीजें हैं, लॉगिन से साइन अप, वीडियो अपलोड करना, अपडेट, डिलीट, कमेंट वगैरह सब कुछ, टोटल ए टू जेड फीचर्स है यहाँ पे। कुछ और भी चीजें हैं आगे चल करके हम एड करेंगे, बट द थिंग इज कि ये जो एपीआई हमने बनाया था उसको हमने इस वीडियो में डिप्लॉय करने के लिए सीखा था फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, और एकदम सही तरीके से सारी चीजें हो रहे थे। अगर आपने देखा होगा तो हमारा जो अभी डेटाबेस है वो हमारा मोंगोडी भी है, और फाइल अपलोडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं क्लाउडिनरी को। तो एकदम सही तरीके से चीजें काम कर रहे थे, और अब हमें लोकल होस्ट जो यूआरएल था एपीआई का, वो नहीं बल्कि बेस यूआरएल डिप्लॉय करने के बाद हमें मिला था, और उससे हमने रिप्लेस कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी पूरी बातें क्लियर होंगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और थोड़ा दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि व्यूज देख करके ना थोड़ा सा यार मुझे डिमोटिवेशन मिलता है। बट द थिंग इज कि मैंने कमिट करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने इतना लेस व्यूज में भी ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो कंटिन्यू रखा है। बिल्कुल सही सुना आपने, तो अभी भी मैं इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, चाहे व्यूज जितना भी आए। अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो वो 100 लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो चलो फटाफट से अभी इसको आगे करते हैं। तो अभी हमें अपने प्रोजेक्ट का जो है वो फ्रंट एंड बनाना है, और इसके लिए मैं सबसे पहले रिएक्ट जेएस में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो हमारा रिएक्ट में होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मॉन स्टैक का ये प्रोजेक्ट है, तो MERN, तो R का मतलब रिएक्ट ही होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा अपने डी ड्राइव के अंदर, हाँ प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट करना है ये पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो डी ड्राइव के अंदर मैं गया, उसी के अंदर मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, और उसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है आवर ट्यूब करके, है ना। बिल्कुल, हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है आवर ट्यूब। इसके अंदर मेरे पास एपीआई है ना। हाँ, अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहा डी टाइप के अंदर, यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के अंदर गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आवर ट्यूब, और उसके अंदर एपीआई बना हुआ है ऑलरेडी। यहीं पे मुझे अभी एक फोल्डर बनाने हैं, ठीक है। बिल्कुल, सो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, आप यहाँ पे बस प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। तो आवर ट्यूब के अंदर में npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। बिल्कुल, तो प्रोजेक्ट का नाम आवर ट्यूब ही रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आवर ट्यूब के अंदर आवर ट्यूब, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पूरा पूरा फ्रंट एंड है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे आप। मैंने एंटर मारा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल वगैरह कर रहा होगा, ठीक है, तो करने देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड हो। अच्छा, ये नेमिंग रेस्ट्रिक्शन है, आप इस तरीके से नाम नहीं रख सकते हो, आप लाइक दिस ऐसा रखो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो अभी ये इंस्टॉल वगैरह होना स्टार्ट हो गया है, आराम से इसको होने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह का चीज़ दिखाई देगा, और जिस भी जगह पे, जिस भी फोल्डर पे आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा होगा, उस फोल्डर के अंदर अभी आपको एक आवर ट्यूब नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, आप चाहो तो उसको जाकर के देख सकते हो। बट द थिंग इज कि अभी हमें ये करना है कि इस प्रोजेक्ट में जाने हैं और उसे रन करने हैं। तो मैं चाहूँ तो ये काम यहाँ से भी कर सकता हूँ, कि मैं इस आवर ट्यूब फोल्डर के अंदर जाऊँ और प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लूँ। बट द थिंग इज कि मैं अभी इसको VS कोड में ओपन करना चाहूंगा, और सारी चीजें मैं वहीं पे करूंगा, क्योंकि VS कोड वो जगह है जहाँ पे हम इसको पूरा पूरा एडिट करने वाले हैं। एडिट करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आवर ट्यूब जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होंगी, उसी में हम लाइक चीजों को चेंजेस करके, कुछ एड करके, है ना, मॉडिफाई करके हम बना रहे होंगे। बट एक बेसिक प्रोजेक्ट जो है हमें मिल गया होगा, ये आवर ट्यूब जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो यार बिना देर के सबसे पहले आवर ट्यूब के अंदर जाओ, और उसके बाद जो है आप इसको ओपन करो वीएस कोड में। तो कोड डैश स्लैश अगर मैं करूँ इस तरीके से, तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा आवर ट्यूब फोल्डर है वो ओपन हो चुका है वीएस कोड में। और मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे देखो एक बेसिक प्रोजेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इसी में हमें चीज़ें क्या करना है, एडिटिंग करना है, इसी में हम चीज़ें मॉडिफाई करेंगे, और अपना पूरा का पूरा जो यूट्यूब जैसा क्लोन एक बना रहे हैं हम, हाँ यूट्यूब क्लोन का जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे बना रहे होंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले यहाँ पे जाने हैं आपको, और टर्मिनल पे जा करके
न्यू टर्मिनल, और आप एक बार इसको चला के देख लो कि लाइक चीज़ें सही से चल रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे जा करके कमांड दिया npm स्टार्ट, बिल्कुल npm स्टार्ट, एंड रेट करा, और ये जो है हमारे ब्राउजर पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। अगर ओपन हो गया मतलब सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि ब्राउजर हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है। पहली बार में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, कई बार ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो आराम से। बस यहाँ पे देखना, इसको मैं कट देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे बस किसी तरह का एरर नहीं आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सक्सेसफुल, आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा होगा, और इस जगह पे कुछ इस तरीके से। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, नो डाउट। ओके बिल्कुल, अब हमें इसको क्या करना है, चेंजेस करने की। यूआई एक बाई डिफॉल्ट यूआई आपको इस तरीके से मिल रहा होता है, चेंज करो इसको, है ना, बिल्कुल, और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करो। सबसे पहला काम जो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले राउटिंग के लिए मैं लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी है और ये फ्रेमवर्क नहीं है। अगर आप एंगुलर जैसा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते तो राउटिंग का फीचर्स ऑलरेडी उसमें मिल रहा होता है। बट यहाँ पे अगर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी चाहिए तो यहाँ पे चीज़ें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राउटिंग चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें राउटिंग का मॉडल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, है ना, बिल्कुल। तो यार ये लाइब्रेरी जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं इसे ओपन करना चाहूँगा। और जब मैं यहाँ पे गया तो रिएक्ट राउटर डॉम से आप इसके अंदर चले जाओ, जैसे भी इस पर क्लिक लोगे आपको यहाँ पे पूरा पूरा इसका डॉक्यूमेंट जो है खुल के आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो यार आप जाओ और इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, है ना। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, एक नहीं तीन वीडियो बना रखे हैं, बेसिक टू एडवांस राउटिंग में एकदम एक एक चीज बता रखा है, नेस्टेड राउटिंग वगैरह सब कुछ मैंने बता रखा है यार, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आता हूँ और एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ऐप डॉट जेस जो है वो सबसे पहला कॉम्पोनेंट, यहाँ पे सारा कुछ कॉम्पोनेंट होता है। मैंने बेसिक जो है एकदम एक एक चीज अपने पिछले वीडियोज में जहाँ पे मैंने रिएक्ट का बेसिक बता रखा है उसमें मैंने हर चीज को समझा रखा है। बट द थिंग इज कि अभी आप प्लीज यहाँ पे फोकस करो, अगर आपको नहीं भी आता है ना चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तो आप यहाँ पे देखते जाओ, चीजें आप समझ जाओगे। कहानी ये है कि ये जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में एक कंपोनेंट है और ये है ऐप कंपोनेंट, ठीक है। ये एक ही HTML फाइल यहाँ पे हमारे पास होता है, और वो HTML फाइल जो है वो पब्लिक के अंदर है, index.html। तो बस एक ही HTML फाइल है, तो उस HTML फाइल के अंदर में वही HTML लोड हुआ है। सबसे पहले ये समझ लो, ये पूरा पूरा जो है ना ये एक HTML फाइल है पूरा, एक ये नहीं है, ये जो अंदर में दिख रहा है ना घूमता फिरता, उसको छोड़ो, ये इमेजिन करो जो मैं कह रहा हूँ, बाहर में एक पेज है और वो एक HTML फाइल है, तो ये वेब पेज HTML फाइल ही होता है ना, बिल्कुल। सो वो HTML फाइल लोड हुआ होगा, और उस HTML फाइल में ना बस यहाँ पे एक डिव है, आप ध्यान से देख लो, जिसका आईडी रूट है, क्लियर है बात है। तो इस डिव के अंदर ही सारा चीज रेंडर हुआ है, जिसका आईडी रूट है। अभी पर कैसे पता चला, तो ये index.js, जब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा ना, index.js जो है वो रन हुआ है, और वहां पे ये बात हमने लिख रखा है कि जिसका आईडी रूट है उसको पकड़ो और वहां पे ये ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर दो। तो ऐप कंपोनेंट मतलब ये रहा ऐप.js, हर कंपोनेंट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा तामझाम दिख रहा है ये पूरा पूरा लोड हो जाएगा उस डिव के अंदर, समझ गए। तो इस डिव के अंदर लोड होना है ऐप कंपोनेंट, तो लोड कौन कर रहा है, तो लोड कर रहा है ये index.js, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ऐप डॉट जेएस है उसमें ही ये तामझाम लिखा हुआ है, जिसके वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है, इतनी बातें आपको पहले से पता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो स्टोरी है इसको हटाओ, क्लास नेम भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ H1, हाँ मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ऐसे H1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SBS ऑनलाइन क्लासेस, या सब्सक्राइब करो प्लीज, हाँ सब्सक्राइब करो। तो अभी आप देखोगे, और एक बात, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रीलोड हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं SBS ऑनलाइन क्लासेस ये आपको दिख रहा है, मैंने जूम कर रखा है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल पॉज। अभी यार यहाँ पे एक आ रहा है कि लोगो डिफाइंड है, बस उसको आपने यूज़ नहीं करा है, ये यहाँ से आ रहा है, इसको हटा ही दो, ठीक है, मैटर ही क्लोज। एक CSS फाइल है, app.css करके आप देख सकते हो,
और ये रहा, यहाँ पे सारा सीएसएस का कोड लिखा हुआ था, जिसके वजह से चीजें यहाँ पे जो भी आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि H1 है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे आपने आकर के लिख दिया कि H1 का यार कलर कर दो रेड, तो वो रेड दिखने लग जाएगा H1, समझ गए? अब ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। गुड, सो मैं अभी फिलहाल इसको यूज़ नहीं करने जा रहा हूँ, सेव करता हूँ, हटा दिया मैंने उसको। और यार ये सीएसएस को भी मैं अभी लिंक नहीं करूँगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हो गया काम खत्म। आप इसको स्क्रैच से भी ऐसे टाइप करके लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। तो अभी ये तो हो गया यार, मैंने कहा ये तो हो गया, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है, ठीक है? बिल्कुल, तो न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं जाता हूँ, कंपोनेंट आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे पेज जो है वो एक ही है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसके अंदर जो भी है सब कंपोनेंट है। तो जैसे हम बाकी केसेस में बोलते हैं, जैसे पीएचपी वगैरह में, या फिर आप नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस से अगर आप साइट बना रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि होम डॉट एचटीएमएल एक होम पेज, ठीक है, अबाउट डॉट एचटीएमएल अबाउट पेज, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एचटीएमएल फाइल है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, वो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और उसके अंदर जो भी है वो सब कंपोनेंट्स है, ठीक है? तो सबसे पहला कंपोनेंट में, मतलब एक पेज प्रॉपर एक कंपोनेंट है, बस इतना समझ लो, ठीक है? हाँ जी, तो एक पहले मैं बना रहा हूँ साइन अप डॉट येस, है ना? ध्यान रखोगे कि कैपिटल रहना चाहिए पहला लेटर, ये कंपोनेंट्स क्रिएट करना आपको आता है। फिर यहाँ पे मैं गया और एक मैं बना रहा हूँ लॉग इन डॉट येस, अभी मैं इतने बना रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे होने हैं, ठीक है? बिल्कुल सही नाम है, लॉग साइन अप डॉट येस की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इस पर मैं काम करता हूँ। एक सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट, देखो कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं सिखा रहा हूँ, जिस नाम से, हाँ बिल्कुल मैंने कहा जिस नाम से आपने यहाँ पे फाइल बनाया उसी नाम से फंक्शन बनाओगे, कॉन्स्ट साइन अप, और ये मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ, नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो। और ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, हाँ रिटर्न कर रहा होगा एक पूरा का पूरा यूआई, क्लियर है बात है? हाँ बिल्कुल, तो ये कुछ इस प्रकार से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट H1 के साथ में कि साइन अप पेज, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है? अब इसे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट सो दैट कि कहीं पे इसको इम्पोर्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और लाइक ऐसे साइन अप, हो गया काम खत्म। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ध्यान से देखना मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब इतना जो हमने मैनुअल टाइप करा है, ये अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक एक्सटेंशन जो है वो जा करके इंस्टॉल करो, ठीक है? और ये वाला एक्सटेंशन आप देख लो अच्छे तरीके से क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्सटेंशन आप जा करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? मेरा केस में ऑलरेडी इंस्टॉल, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये कर लोगे ना तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जैसे लॉग इन डॉट जे एस पे आप जाओ, ठीक है, मैंने कहा लॉग इन डॉट जे एस पे, इस पर एक चीज़ लिखोगे RAFCE, और आप देखो ये पूरा पूरा चीज़ जनरेट करके दे दिया। ये अगर आप नहीं लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई दिक्कत आएगा नहीं, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी रखता हूँ, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ ऐसे, ठीक है? तो अभी यार ये हो गया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना, अभी ऐप डॉट येस पे जाओगे तो SPS ऑनलाइन क्लासेस से दिख रहा होगा, और जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। ऐप डॉट येस पे जाओगे ना तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये वाला चीज़ लिखा हुआ है, तो वही दिख रहा है, बातें सुनवा रहे हैं हमें क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, जैसे मुझे ये लॉग इन लोड करना है, तो आपको भी पता है कि कैसे लिखना है, ठीक है? बिल्कुल, और ये सब मैंने पहले कई बार बेसिक में बता रखा है, प्लीज, है ना? तो ये देखो लॉग इन कॉम्पोनेंट मैंने ऐसे लिख दिया, देख लो ये एक टैग की तरह काम करने लग गया है। तो यहाँ पे ना रिएक्ट जेएस में सब कुछ एक कॉम्पोनेंट ही होता है, जैसे अगर आप लाइक H1 बोले थे ना वो भी एक कॉम्पोनेंट है, अगर आपने इनपुट बोला ना तो वो भी एक कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे आप पी टैग बोल रहे हो ना वो भी एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है? तो अभी हमने अपना एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करा, हेडिंग पैराग्राफ जो भी आप लिखते हो ना, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप ऐसे लिख रहे थे H1 ऐसे, तो आप समझ लो कि ये भी एक कंपोनेंट ही है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे, हाँ जी ये भी एक कंपोनेंट ही है। तो अभी आपने खुद का एक कंपोनेंट बनाया लॉगिन, और आप इसको ऐसे नहीं बल्कि आप ऐसे भी लिख सकते थे इस तरीके से, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अगर कुछ पास करना हो तो वैसे लिखेंगे, अभी ये सब बेसिक बातें हैं, अभी आप इसे रखो, ठीक है? गुड, तो ये लॉगिन कंपोनेंट जब आपने लिख दिया तो यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट देखो आप लोड हो गया है। अगर आपने यहाँ पे इसके जस्ट नीचे साइन साइन अप लिख दोगे तो इसके जस्ट नीचे साइन अप लोड हो जाएगा, तो
यहाँ पे देखो ये इम्पोर्ट जा रहा है ना, बिल्कुल, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था तभी यहाँ पे इम्पोर्ट कर पाए। और ये देखो साइन अप पेज जो हमने लिखा हुआ था, हाँ, और वो तो डायरेक्ट डी में लिखा हुआ था लॉगिन के अंदर में, इसलिए वैसा दिख रहा है। तो यार ये पूरा पूरा कहानी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कभी साइन अप लोड करना है, कभी लॉगिन लोड करना है। तो इसके लिए मुझे राउटिंग का फीचर्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक राउट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट, ठीक है, राउटिंग, या लिख देता हूँ माई राउट्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें डिसाइड करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पाथ डिसाइड करना है कि पाथ क्या होगा। तो पाथ अगर कोई स्लैश लॉगिन हिट करता है, ठीक है, स्लैश साइन अप पहले कर लेता हूँ, अगर कोई स्लैश साइन अप हिट करता है तो कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, तो कंपोनेंट लोड करना है साइन अप का, बात समझ आ रहा है, बिल्कुल। और अगर कोई स्लैश लॉगिन हिट करता है तो जो कंपोनेंट लोड करना है वो है लॉगिन का, बातें समझ आ गया, बिल्कुल। तो अभी ये मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पे, है ना, राउट हमने बना दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटिंग, जहाँ पे राउट चलाना है मुझे, राउटर प्रोवाइडर, हाँ, ये ऐप कंपोनेंट के अंदर ये जो यूआई रिटर्न हो रहा था वहाँ पे चलाएंगे, मतलब ये मेन वाले में पूरा पूरा, ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने ऐसा लिख दिया, और आप यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर प्रोवाइडर, ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, राउटर प्रोवाइडर। और यहाँ पे राउटर में लिखोगे माई राउट्स, समझ गए, ये ऐसे पास कर देना। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि लोकल होस्ट 3000, इस पे तो हमने कुछ करा ही नहीं है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप स्लैश लॉगिन हिट करो, ये देखो लॉगिन लोड हो गया। उसके बाद आप जो है यहाँ पे स्लैश साइन अप हिट करो, तो यहाँ पे ये साइन अप पेज दिख रहा है, मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है। अब अभी के लिए आप एक काम कर लो, क्योंकि अभी आप साइन अप पे काम करोगे तो बार बार ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं हिट करते हो तो फिर ये क्या करना चाहिए, जो कंपोनेंट लोड होगा वो होगा साइन अप का, बातें समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है जो मैंने कहा। तो अब क्या है ना, वो एरर नहीं आना है, अगर कोई 3000 भी हिट करता है तो साइन अप ही आएगा, बिल्कुल। तो ये बेस यूआरएल की बात हो गई, है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार ये चीज़ें पूरा क्लियर हो गया होगा, राउटिंग वगैरह हमने पूरा पूरा सेट कर लिया, सेटअप इंस्टॉलेशन भी सब कुछ ओके है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, गुड, वेरी गुड।